बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे वायरस और वीरियोन। वायरस किसे कहते हैं, वीरियोन किसे कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं वीरियोन, आउट साइड ऑफ होस्ट सेल, यानी कि एक वायरस जो कि होस्ट साइड से बाहर है उसको हम बोलेंगे वीरियोन। वायरस नहीं, उसको हम वीरियोन बोलते हैं। इसको आउट साइड ऑफ होस्ट सेल, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। इधर एक डायग्राम है, उसमें हम देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाहर जो मौजूद होते हैं उसको हम वायरस नहीं वीरियन बोलेंगे। और इस तरफ हम देखते हैं वायरस किसे कहते हैं। तो वायरस की अगर बात करें तो इनसाइड होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर जब मौजूद होगा तो हम उसे वीरियन नहीं वायरस बोलेंगे। इंट्रा सेलुलर, इनसाइड होस्ट सेल, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर। ये एक बैक्टीरिया है और उसके अंदर जो मौजूद है इसको हम वायरस बोलेंगे, वीरियन नहीं। और इधर जो मौजूद है इसको हम वीरियन बोलेंगे, वायरस नहीं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर और ये इंट्रा सेलुलर है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ वायरस और वीरियन में क्या फ़र्क है। वायरस हम उसे बोलते हैं जो कि होस्ट सेल के अंदर मौजूद है, और जो वीरियन है वो होस्ट सेल से बाहर मौजूद होगा, इसलिए हम उसको वीरियन बोलेंगे। अगर एक बैक्टीरिया के बाहर जो सेल वॉल है उसके साथ अटैच है कोई चीज़, तो हम उसे वीरियन बोलेंगे। और जो बैक्टीरिया सेल के अंदर मौजूद है तो उसको हम वीरियन नहीं, उसको हम वायरस बोलेंगे।